गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे भैया बहनों, जिस तरीके से आपने सामाजिक विज्ञान की क्लास का अध्ययन कर रहे हैं, जो 9 और 10 के लिए पूर्ण रूप से संचालित है, उसी क्रम में 6 7 8 के लिए हिंदी व्याकरण की क्लास को विस्तारित रूप से, जो हिंदी व्याकरण तथा हिंदी के ज्ञान को प्रगति मिलाने के लिए यह संकल्प लिया गया है कि बच्चों को उनको घर तक शिक्षा का दीप प्रज्वलित कराया जाए, शिक्षा का एक ज्ञान प्रसारित किया जाए। इसी के अंतर्गत आज हम आपको दूसरी वीडियो में यह बतलाएंगे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं तथा व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा कि स्वर जो एक स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, परंतु उसमें मात्राओं के अनुसार उसको प्रादुर्भाव में लाया जाता है, मात्राओं के अनुसार उसको बोला जा सकता है, उसी को हम स्वर कहते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, हास स्वर, दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ ई उ री, यह समस्त हास स्वर कहलाते हैं। तथा दीर्घ स्वर वह होते हैं जिनके उच्चारण में थोड़ा सा समय अधिक लगता है और तीव्र गति से उच्चारण होता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई ऊ ए ऐ औ औ, ये समस्त जितने भी आपने वर्णों को अध्ययन किया, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब आप समझेंगे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन मुख्य रूप से आपने समझा कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बिना स्वर की सहायता से उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ, ऊष्म तथा संयुक्त व्यंजन। इन चार भागों में हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से व्यंजन को हम बांट सकते हैं, किस तरीके से उसका अध्ययन कर सकते हैं। स्पर्श व्यंजन को कई रूप में विभक्त किया गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग, जिसमें आप पढ़ते हैं का खा गा घा अंगा, ये आपका का वर्ग आता है। चा वर्ग में चा छा जा झा या, यह चा वर्ग का जो एक टेबल के अनुसार देखें तो उसमें हम अध्ययन करते हैं। टा वर्ग में आता है टा ठा डा ढा आणा और अंगा ढा, ये दोनों शब्द भी इसमें, दोनों अक्षर भी मिला लिए जाए, दोनों वर्ण भी मिला लिए जाए, तो इससे जितने भी शब्द बनेंगे वह टा वर्ग में आते हैं। टा वर्ग में ता था दा धा ना, यह सब चीजें आती हैं। तथा पा वर्ग में पा फा बा भा मा, इन वर्णों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी वर्ण का अध्ययन हम कर पा रहे हैं वह स्पर्श व्यंजन में आते हैं। स्पर्श व्यंजन का अर्थ है कि इसका जिह्वा का एक रूप में हम कह सकते हैं स्पर्श होता है, बिना स्पर्श के ताल तथा मूर्धन्य के साथ हम स्पर्श करते हैं, यानी मुखमंडल के अंदर जिह्वा ऊपरे हिस्से तथा निचले हिस्से में कहीं ना कहीं स्पर्श करे बिना इस शब्द, इस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तथा इसके द्वारा जो शब्द का निर्माण करते हैं उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे पढ़ा गया का, तो का में जिह्वा का स्पर्श निचले स्तर पर हो रहा है, निचली प्रवृत्तियों के साथ देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से इसको हम स्पर्श, यानी जिह्वा का स्पर्श हो रहा है मुखमंडल के किसी भी भाग में, तो उसको हम स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। अंतःस्थ का अर्थ है कि यह बिना किसी जिह्वा की सहायता से और बिना किसी मूर्धन्य की सहायता से, बिना किसी तालव्य की सहायता से, अंतर्निहित भावनाओं के द्वारा या गले के द्वारा इसका उच्चारण हो रहा है, या रा ला वा, परंतु इसमें जिह्वा कहीं ना कहीं घूम रही है और वह घूमकर उसका उच्चारण बदल दे रही है, इसलिए हम कह सकते हैं अंतःस्थ, यानी अंदर ही अंदर यह उच्चारण हो रहा है परंतु जिह्वा गोलाकार घूमकर इसके उच्चारण में परिवर्तन ला रही है, जैसे या रा ला वा, ये इस तरीके से। ऊष्म अगला है, तीसरा ऊष्म है, जिसमें सा खा सा हा, तो इसमें ध्वनि तरंगियों में
थोड़ा सा कह सकते हैं कि बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी ध्वन तरंगियां जो टूट कर निकल रही हैं, जो उसमें कंपन सा हो रहा है ध्वन तरंगियों में, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनको ऊष्मव्यंजन, ऐसे वर्ण जिनको हम बोलने पर उसमें कंपन सा मुखमंडल द्वारा, जिह्वा के द्वारा, उसमें थोड़ा सा गले के माध्यम से कंपन करते हुए स्वर का उच्चारण हो, उसको हम ऊष्मव्यंजन कहते हैं। जैसे किसी शब्द को बोलते हैं शमी, शमी, इस तरीके से शमी लिखा गया तो शा का उच्चारण जो रहा है वह ध्वन तरंगियों के माध्यम से उसमें कंपन निकल रहा है, तो इसको हम ऊष्मव्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है छत्रंग्या या संयुक्त, इसमें थोड़ा नासिका का प्रयोग हो रहा है, छत्रंग्या, तो ऐसे शब्दों को हम कह सकते हैं संयुक्त व्यंजन, इसको हम संयुक्त रूप में कह सकते हैं। यही जो है तीन होते हैं। इस तरीके से आपने समझा कि स्वर के क्या प्रकार होते हैं, व्यंजन के क्या प्रकार होते हैं। इस तरीके से व्यंजन में आपने अनुनासिक व्यंजन को भी थोड़ा जाना, जिसको हम पिछले वीडियो में आपको वर्णित कराए थे। तो इस तरीके से आज का यह वीडियो संपूर्ण हुआ, जिसमें आपने स्वर तथा व्यंजन की जानकारी का अध्ययन किया। अगली वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।